हेलो हमारे यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से ब्लॉग में। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और बहुत ही छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 2 से 2.5 3 मिनट तक ही ब्लॉग बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा दोस्तों, और अच्छा लगेगा तो प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और नहीं भी अच्छा लगेगा तभी प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो दोस्तों मैं ऐसी कोई गलत तो कोई चीज़ बोलूँगी नहीं, ना किसी को गलत कहूँगी, तो आप लोगों को क्यों बुरा लगेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, आप लोग जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, प्यार दुलार दीजिए। जैसे सभी को आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, वैसे मेरे भी चैनल को आप लोग प्यार दुलार दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग बताइए आप लोगों का शिवरात्रि कैसा गया, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों और बताइए, मौसम कैसा चल रहा है, मौसम में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ मौसम तो बदल गया है और गर्मियाँ अब स्टार्ट हो गया। पहले सर्दियों से सब लोग परेशान, अब गर्मियों से सब लोग परेशान होंगे। तो यही सब बात है, तो इतना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करिएगा दोस्तों। और बताइए आप लोग का लंच वंच हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कर लीजिए, हमारा तो लंच हो गया। और मैं बनाई थी सुबह आलू भुजिया की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि सब्जी नहीं था तो इसीलिए आलू भुजिया की सब्ज़ी बना दी थी आज। वैसे भी आलू भुजिया की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती भी है, हमारे बच्चे बहुत मन से खाते हैं, और हम ही को नहीं, हम जितना मैं जानती हूँ दोस्तों, भुजिया सब्जी वैसे काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आती है, और मसाला वाला खा खा के तंग हो जाते हैं, तो इसलिए भुजिया सब्जी हम लोग बना लेते हैं और खा लेते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं रखती हूँ, पूरा ब्लॉग देखिएगा ज़रूर और शेयर करिएगा एक दूसरे को, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। ठीक है, बाय बाय, गुड आफ्टरनून।